नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज आप सब केवल एक निवेदन करने आया हूं। आप जानते हैं कि हमने 26 तारीख को दिल्ली में जंतर मंतर पर 2 बजे इस भारत सरकार की जो भी जन विरोधी नीतियां हैं, देश विरोधी नीतियां हैं और इनके जो देश विरोधी कार्य हैं उनके विरोध में एक आंदोलन की कॉल दी हुई है। यह उस बड़े आंदोलन की शुरुआत है जो हम इसके बाद से लगातार इस मोदी सरकार के विरुद्ध, जब तक इस सरकार को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग यह आंदोलन करेंगे, उसके लिए यह एक शुरुआत है। और आप जानते हैं कि जो हमारे मुद्दे हैं वो केवल एक मुद्दा नहीं है, वो सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, लेकिन इन सब में जो सबसे ऊपर मुद्दा है वो है ईवीएम का मुद्दा। क्योंकि ईवीएम अगर है तो इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो नहीं सकते, निष्पक्ष और साफ सुथरे इलेक्शन हो नहीं सकते। ईवीएम है तो बीजेपी है, और बीजेपी है तो देश की और देश की जनता की बर्बादी है। इसलिए बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए, देश की बर्बादी को रोकने के लिए सबसे पहला मुद्दा ईवीएम का मुद्दा है। ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। दूसरा, मोदी सरकार इस्तीफा दे, लोकसभा को भंग करे और दोबारा से लोकसभा के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं। यह एक हमारा सबसे पहला मुद्दा है। दूसरा, जो CAA, NPR और NRC का मुद्दा है, जो UAPA कानून और NSA कानून, गुंडा एक्ट और जो यूपी में SSF जो फोर्स बनाई जा रही है, इन सब को खत्म किया जाए, ये एक हमारा मुद्दा है। निजीकरण जो है और जिस तरह से पूरे देश को बेचा जा रहा है, रेलवे को, चाहे आप जो खनिज संपदा है उनको, जो कोयला खदाने हैं उनको, और सब चीजों को लगातार जो बेचा जा रहा है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है उनको जो बेचा जा रहा है, ये हमारा एक मुद्दा है। साथ में जो किसानों का एक मुद्दा है, जो किसानों की पीठ में छुरा भोंका गया इस मोदी सरकार द्वारा, और पिछले दरवाजे से जो पहले अध्यादेश लाए गए जून में और फिर उसको कानून बनाया गया, और राज्यसभा में जिस तरह से मतलब गुंडागर्दी के आधार पर वो पूरा उसको कानून को पास कराया गया, वो एक मुद्दा है। साथ में जो श्रम कानून खत्म किए गए कोरोना और लॉकडाउन की आड़ में इन सरकारों ने, वो हमारा एक मुद्दा है। साथ में शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, वो एक मुद्दा है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो बुरी हालत है और जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं के सुविधाओं के अभाव में जिस तरह से देश के लोग परेशान हो रहे हैं, वो एक मुद्दा है। दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिलते हैं, ऑक्सीजन बेड नहीं है, जो और भी चीजें हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो ये एक मुद्दा है। और इस दौरान जिस तरह से PPE किट घोटाला हुआ है, जिस तरह से ICU बेड वगैरह उन सब में उस समय घोटाला हुआ है, जो वो है ऑक्सीमीटर वगैरह है उसकी खरीद में घोटाला हुआ है, ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनको लेकर एक मुद्दा है हमारा। और इसके साथ में जो बेरोजगारी जिस बुरी तरह से है, इस बेरोजगारी को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आज की तारीख में 35 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, ये हमारा एक मुद्दा है। साथ में जिस तरह से जो इस सरकार ने जो OROP और सैनिकों की जो समस्या है, उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए, ORP ईमानदारी से लागू होनी चाहिए, वो एक मुद्दा है। अर्धसैनिक बल, जो सभी तरह के सभी अर्धसैनिक बल हैं, जैसे CRPF है, चाहे ITBP है, चाहे CRP है, चाहे BSF है, ये जो सारी की सारी, चाहे असम राइफल्स है, ये सभी जितनी भी जो अर्धसैनिक बल हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है जिसको सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं है, इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा जो और भी जितने मुद्दे जो लोगों से जुड़े हैं, जैसे महिलाओं की सुरक्षा क्या है, आप देख रहे हैं हर दिन किस तरह से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों तक के साथ में ये हो रहा है, और उसको ये सब जो हो रहा है इनके खिलाफ जो है एक, हाँ, ये हमारा एक मुद्दा है। इसके अलावा और भी जैसे पर्यावरण का मुद्दा है, प्रदूषण का मुद्दा है, ये एक हमारा मुद्दा है। इस तरह के जो हमारे सारे मुद्दे हैं, इन सबको लेकर हम आंदोलन कर इस सरकार के खिलाफ कड़ा कर रहे हैं, जिसके लिए जो 26 नवंबर है उस दिन से हम शुरुआत कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा हाथ जोड़कर,
ये केवल मेरा मुद्दा नहीं है, किसी एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है, किसी एक सामाजिक संगठन का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है और देश की जनता का मुद्दा है। तो सबका मसला है ये, सबका, सभी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए मसले हैं ये, सभी लोगों से जुड़े हुए मसले हैं। इसमें जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों से अलग होकर सब लोग वहां पर आए। और जो पेंशन, एक और इसमें देखिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो 2004 में बीजेपी सरकार ने, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और जो पेंशन का मुद्दा था, वो पेंशन जो है वो भी एक मुद्दा है। आप सुन के हैरान होंगे, एक एमएलए, एक एमपी एक दिन के लिए विधायक या सांसद रह जाए, वो जीवन भर पेंशन पाता है। अगर वो 3 बार 4 बार 5 बार जीत जाए, मंत्री रह जाए, तो उसकी पेंशन उतनी ही जुड़ दें। 4 बार विधायक या 4 बार एमपी तो 4 बार की पेंशन ले रहा है। मतलब ये कौन सा तरीका है? जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो 35 साल आपके लिए, 30 से 35 साल आपके यहां सर्विस करता है, अपनी जिंदगी का तमाम जो सबसे अच्छे दिन है आपके उसमें लगा देता है, आपने उसकी पेंशन बंद कर दी। आप नेताओं को जो एक दिन के लिए भी अगर विधायक रहता है उसको आप पेंशन दे रहे हैं, ये अन्याय किस तरह से है? और न्याय व्यवस्था की जो हालत हो गई है, न्यायपालिका की जो हालत हो गई है, उस सब के विषय में जो है ये हमारा एक मुद्दा है। साथ में जो पुलिस व्यवस्था की जो जर्जर हालत हो चुकी है, सड़ चुका है पुलिस सिस्टम, उसको कैसे सुधारा जाए, ये एक हमारा मुद्दा है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर, ये सभी के मुद्दे हैं, हम आंदोलन कर रहे हैं। 26 नवंबर से ये शुरुआत है और इसके बाद में ये आंदोलन आगे चलेगा। और इन सब के साथ साथ एक और मुद्दा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं साथियों, जो निजीकरण का मुद्दा है। निजीकरण किस तरह से देश को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है? निजीकरण से केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे देश को नुकसान हो रहा है। निजीकरण से सारी नौकरियां जो खत्म हो गई, जो तकरीबन 15 से 20 लाख नौकरियां निजी क्षेत्रों में थी, जो सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान है उनमें थी, अब ये सरकार जिसने एक भी सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान बनाया नहीं, उन सबको वो बेच रही है। तो न केवल उनको बेच रही है बल्कि उसके साथ में जो नौकरियां हैं वो भी खत्म हो रही हैं। और नौकरियां खत्म है तो वो किसी एक जाति की नहीं, एक धर्म की नहीं, एक संप्रदाय की नहीं है, एससी एससी केवल ओबीसी की नहीं है, जनरल की भी नौकरियां हैं जो खत्म हो रही हैं। अगर इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो कैसे काम चलेगा? इसलिए मिलकर सबको आवाज उठानी है, सभी को निमंत्रण है, सभी आमंत्रित हैं इस आंदोलन में। आइए, हमारा साथ दीजिए और कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर इस लड़ाई को लड़िए। और आखिर में एक चीज साथियों, क्योंकि दिल्ली में कोरोना की स्थिति बड़ी भयानक होती चली जा रही है, सरकार ने भी एडवाइजरी करी है, मैं भी आपसे निवेदन करूंगा साथियों, जो भी साथी इस आंदोलन में आए, कृपया मेरी हाथ जोड़कर सभी से निवेदन है, सभी से मेरा अनुरोध है, मास्क लगाकर, प्रॉपर तरीके से मास्क लगाकर आए साथियों। हमने भी वहां पर सैनिटाइजर वगैरह की व्यवस्था की है, क्योंकि प्रशासन ने हमसे कहा है उसके लिए, पर फिर भी मैं कहूंगा सब लोग प्रॉपर तरीके से मास्क लगाकर आए साथियों। ये हमारी अपनी सुरक्षा है, हमें अपनी सुरक्षा निश्चित रूप से करनी चाहिए, केवल सरकार के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सरकार की गाइडलाइंस है तो उसका पालन हमें करना चाहिए, करना ही होगा। इसलिए हर व्यक्ति जो भी आए मास्क लगाकर आए और तरीके से आए। हमने जो है बाकायदा इसके लिए जो ईवीएम है, इसके लिए जो आंदोलन हम ये कर रहे हैं, इसमें सब लोगों की शिरकत इसलिए जरूरी है साथियों, और सुरक्षित रहना जरूरी है। मास्क लगाकर प्रॉपर हम अपनी सुरक्षा करें, अपने साथियों की सुरक्षा करें, ताकि इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर हम उठा सकें और सफल बना सकें, और समय से पहुंचे, मेरा यही आपसे निवेदन है, समय से पहुंचे। ये जो दिल्ली में जंतर मंतर पर 26 नवंबर 2020 को 2 बजे आंदोलन होगा, आप सब आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून।